यहाँ से जो बोराड़ी का व्यू दिखना है ना, वो भी देखने लायक है, तो इसीलिए हम सबसे ऊपर वाले फ्लोर में आ रखे हैं। तो दोस्तों अभी मेरा पेपर हो चुका है और मैं आ रखी हूँ साईं चौक पे गाड़ी का पता करने के लिए। तो गाड़ी मतलब इसको ठीक लगा, मेरे को तो ठीक ठाक लगा, मतलब इसने पढ़ा होगा तो इसको अपने उसके हिसाब से हिंदी भी अच्छी आ रही थी। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक जी ठीक, धन्यवाद। ये है दीदी की सासू जी। हेलो हेलो, नमस्कार, ठीक ठाक। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम, आप सभी को और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवान व्लॉग में। तो दोस्तों अभी टिहरी में ये हमारा दूसरा व्लॉग है, मतलब डे तो सेम है लेकिन व्लॉग दूसरा मैंने स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, तो मैंने सोचा दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो अभी हमें रूम भी मिल गया, जैसे आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, रूम भी मैंने आप लोगों को दिखाई दिया है। तो अभी जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, लगभग शाम के 4:30 हो गए हैं और हमारा ना ही लंच हुआ है ना ही ब्रेकफास्ट हुआ है ढंग से, तो अभी थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं ढंग का, उसके बाद देखते हैं अगर इधर साइड कुछ घूमने की जगह होगी तो घुमाएंगे आप लोगों को भी और ख़ुद भी घूमेंगे। तो चलो ये अच्छा हो गया कि हमें हमारे बजट के हिसाब से रूम मिल गया, तो चलते हैं पहले कुछ खा लेते हैं। तो दोस्तों अभी हमारा खाना पीना भी हो ही गया और भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी ना कि मैं वीडियो बनाना ही भूल गई। और हाँ आओ, आप भी आओ, यहाँ देखो आपकी फ़ोटो खींच रही हूँ मैं, यहाँ पर दादी लोग बोल रहे मेरी फ़ोटो खींचो, खींच लो तुम फोटो हुआ। हाय बोला इन्हें करा, हेलो बोला, हेलो, हाँ गुरुद्वारा जाना। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक जी ठीक, धन्यवाद। तो हाँ अच्छा, तो दादी भी खुश हो गए यहाँ पे मेरे साथ वीडियो बना के। तो अभी सबके सब जा रहे हैं गुरुद्वारा में, ऊपर यहाँ पे एक गुरुद्वारा है, तो मैंने नीचे से देखा, मुझे लगा पता नहीं ऊपर कोई मंदिर वगैरह होगा, तो मैंने यहाँ पे पूछा सबसे कि ऊपर क्या है यहाँ पे, तो उन्होंने बोला यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक गुरुद्वारा है, तो वहीं पे अभी हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे जा रहे हैं आप देख सकते हो, तो ज़्यादातर तो स्टूडेंट ही जा रहे होंगे कि हमारा पेपर अच्छा जाए, तो फिलहाल अभी हम भी चलते हैं अच्छे से दर्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों बाहर से दिखने में तो कुछ इस तरह का है गुरुद्वारा, अभी ऊपर जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि जो लोग नीचे आ रहे थे ना वो कह रहे थे कि ऊपर जाके देखो वहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू है, तो ऊपर जाके अभी आपको मस्त करके व्यू दिखाते हूँ। अभी हम गुरुद्वारे में आ चुके हैं और अच्छे से दर्शन भी हो गए हैं, तो अंदर की वीडियो बनाना अलाउड नहीं होता है इसलिए मैं आपको अंदर से नहीं दिखा पाई, तो बाहर से मैं आपको गुरुद्वारा दिखाती हूँ। नीचे से तो मैंने आपको दिखा दिया था लेकिन अभी हम सबसे ऊपर वाले फ्लोर में हैं और यहाँ से जो व्यू दिख रहा है ना, बोराड़ी का व्यू तो अलग दिख ही रहा है और जो गुरुद्वारे का व्यू है ना, सही में ऐसा लग रहा है हम ताजमहल में आ गए हैं। तो दोस्तों ये देखो, ये रहा गुरुद्वारा और सही में यार कितना मस्त लग रहा है ना, कैसा लग रहा है तेरे को? अच्छा लग रहा सही में, हाँ ऐसा लग रहा है कि हम ताजमहल में पहुंच गए यार, सही में बहुत ही मस्त करके बना रखा है। और यहाँ से जो बोराड़ी का व्यू दिखना है ना, वो भी देखने लायक है, तो इसीलिए हम सबसे ऊपर वाले फ्लोर में आ रखे हैं ताकि हम यहाँ से अच्छे से व्यू को इन्जॉय कर पाएँ। तो ये देखो यहाँ से लगभग पूरा बोराड़ी दिख रहा है, ऐसा लग रहा है पूरा टिहरी यही है, लेकिन न्यू टिहरी अभी ऊपर है तो ये पूरा बोराड़ी ही है इतना बड़ा। तो मुझे लगता था पहले कि बोराड़ी छोटा सा मार्केट ही होगा, लेकिन काफ़ी बड़ा है यार बोराड़ी भी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी हमें गुरुद्वारे के दर्शन भी कर लिए हैं अच्छे से और मन इतना शांत शांत सा हो गया ना, मतलब भले हमारी इतनी भाग दौड़ हुई लेकिन बाद में अभी रिलैक्स हो रहे हैं कि सब कुछ सही से हो रहा है, मतलब अभी गुरुद्वारे में भी आ गए, दर्शन भी हो गए, खाना पीना भी हो गया, सही टाइम से हो गया मतलब। तो बस थोड़ा बहुत घूमते हैं बोराड़ी का मार्केट, जो अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पर उनको एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले तो क्या हुआ भाई, इसको कैसी हंसी आ रही है? अच्छा अरे लोग देख रहे होंगे ना, तो कोई बात नहीं यार, हमारा काम है वीडियो बनाना, तो इसको थोड़ा शर्म आ रही है, इसको आदत नहीं है ना इसलिए, तो मेरे को तो आदत पड़ गई, अब कोई हंसता भी है तो कोई बात नहीं, हंसने दो, अपनी वीडियो बन जाए, बस आप लोगों तक वीडियो पहुंच जाए, तो बस अभी भी हंसी रहे वो लोग, कोई बात नहीं हंसने दो। तो बस यही था, अभी तक हमने यहाँ पे अच्छे से मतलब दर्शन भी कर ही लिए हैं, अब देखते हैं ठंड भी बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, तो या तो रूम पे चलेंगे या फिर घूमेंगे, जो कुछ भी रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो दोस्तों अभी हम गुरुद्वारे से नीचे आ गए गणेश चौक पे, ये देखो, और ठंड का मौसम है तो हम यहाँ से मूँगफलियाँ ले रहे हैं रूम पे खाने के लिए, तो मूँगफलियाँ लेते हैं उसके बाद चलते हैं रूम पे। मुझे ना ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जिनके साथ वीडियो बनाओ, वो कुछ नहीं बोलते हैं, बस हाँ और ना, बस और गुड़ पापड़ी, पेठा, मोमोज, चाउमीन, सब कुछ लो, बहुत डर आ रही भाई ये सही में। तो अभी चूज़ करती हूँ, आज मेरे मन की होगी, जो मैं चाहती हूँ वो मुझे मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, ये देखो क्लिंदन और गुड़ पापड़ी लो, गुड़ पापड़ी, गुड़ पापड़ी हाँ लो, तो ही लो।
तो दोस्तों अभी घूम घाम के हम आ चुके हैं अपने रूम पे। ज़्यादा हम घूमे नहीं, कुछ गुरुद्वारा गए थे, उसके बाद थोड़ा बहुत सामान लिया और उसके बाद कमरे पे आ चुके हैं। और हमारे साथ की जो दो लड़कियाँ थी ना, वो भी बाहर जा रखी हैं खाना खाने के लिए। और मैंने उनको पूछा भी नहीं कि मैं आपको ब्लॉग में लूँ या ना लूँ, मतलब मेरे को थोड़ा ऐसा अनकम्फर्टेबल सा लग रहा था कि पता नहीं क्या बोलेंगे वो लोग, क्योंकि उनको पता नहीं है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तो मैंने पूछा भी नहीं, मैंने कहा चलो छोड़ो, रहने दो, कोई बात नहीं। तो अभी फ़िलहाल रूम पर पहुँच गए हैं और अभी हम खा रहे हैं संतरा, घर से लेके आई थी मैं। तो शरीर भटास हो गया अभी सुबह से, ऐसे भाग भाग के इधर उधर, तब से पैदल चल रहे हैं। तो अब जाके थोड़ा राहत मिली है, तो अभी आराम करते हैं थोड़ी देर, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लेते हैं क्योंकि कल एग्ज़ाम है। और कल तो पता नहीं मैं सुबह व्लॉग कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, शायद मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मैं नहीं करूँगी, क्योंकि फिर मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब भी हो जाता है, क्योंकि व्लॉगिंग पर ध्यान दूँगी या फिर पेपर पर ध्यान दूँगी, गाड़ी गुड़ी का सब कुछ देखना पड़ता है। तो इसलिए मैं मतलब अभी ये व्लॉग कर रही हूँ, उसके बाद कल जब टाइम लगेगा उसके बाद मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू कर पाऊँगी। तो सुबह तो 9 बजे तक हमें सेंटर पे पहुंचना है, तो कैमरा 8:30 अरे 9:30 चलो 9:30 तक सेंटर पे पहुंचना है। तो मतलब कैमरा फ़ोन वगैरह तो वहाँ कुछ अलाउड नहीं होगा, तो हमें सब यहीं रूम पे रखना पड़ेगा, फिर एग्ज़ाम देके आना पड़ेगा, अपना सामान सामान ले जाके फिर घर जाएंगे। तो कल तो पेपर देने के बाद ही व्लॉग कंटिन्यू कर पाएंगे, तो फिर उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि पेपर कैसा आ रखा था और हमारा पेपर कैसा हुआ। तो फिलहाल मैडम जी भी यहाँ पे संतरे खा रही हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ाई करेंगे, ये मुझे पढ़ाएगी और मैं भी इसको पढ़ाऊँगी। ठीक है, ठीक है मैडम, जिस सब्जेक्ट में ये अच्छी है वो मुझे पढ़ाएगी और जिस सब्जेक्ट में मैं अच्छी हूँ मैं इसको पढ़ाऊंगी। तो थोड़ा बहुत मेरी रीजनिंग और मैथ थोड़ा बहुत ठीक है, एकदम ज़्यादा ठीक भी नहीं है, और इसकी पॉलिटिक्स जीके वगैरह ये सब ठीक है ज़्यादा। तो हम एक दूसरे को ऐसे ही पढ़ाएंगे थोड़ा बहुत। और ठीक है दोस्तों, फिर कल इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा आराम की भी ज़रूरत है अभी हमको। तो दोस्तों हम कमरे में बैठे हुए थे और यहाँ पे देखो हमसे मिलने कौन आ रखा है। हेलो, ये है अनुष्का और ये हमें बुगी बुगी डांस शो में मिली थी, तो यहीं के रहने वाले, तो मुझे मिलने आई थी ये। तो कैसा लग रहा है अभी? मैं ना आपका बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि कब आओगे। सुबह से कितने फोन करते हैं आपको। सही में यार, बहुत ज्यादा बोल रही थी दीदी आओ जल्दी आओ। हाँ। आओ, और आप तो आ भी नहीं रहते ऊपर क्योंकि वहाँ आप, हाँ वही, हाँ हाँ, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और ये गिफ्ट लेके आई है मम्मी के लिए, आंटी जी आपके लिए स्पेशली। मैं मतलब आपको बहुत अच्छा मानती हूँ, बहुत मम्मी को बहुत प्यार करती है, सही में बोल रही थी इतनी बार। तो मैंने बोला भी था यार गिफ्ट वगैरह की कोई जरूरत नहीं है ऐसा, इट्स अ टोकन ऑफ लव फ्रॉम माय साइड टू यू। और क्या बोलते हैं आपको ना, फोन से ही देख के इतना अच्छा लगता है ना, मतलब फुल पॉजिटिविटी। थैंक यू सो मच। आंटी को भी नमस्ते बोलना, ठीक है आंटी जी? हाँ पहले तो आपको नमस्ते। मैं आपकी मम्मी के लिए कह रही हूँ, मैंने कहा आंटी को भी नमस्ते। और यहाँ पे आज के पार्टनर से भी मिलाती हूँ मैं। हेलो, ये हमारे आज के रूम पार्टनर, तो पैसे बचाने के लिए हमने ये शेयरिंग में पैसे बचाने के लिए दोस्त होना है। तो ये देहरादून के हैं और ये हैं जॉनसार चक्राता से ना, तो मतलब वैसे तो ये टिहरी के ही रहने वाले हैं बट देहरादून में अभी रहते हैं। और ये देखो होने वाले पटवारी भाई, इन दोनों ने ही बुक खोली हुई है यहाँ पे, तो होने वाले पटवारी हैं ये। तो फिलहाल बहुत ज्यादा अच्छा लगा उसका मिलकर, सही है यार। ठीक है, मिलते रहेंगे आगे भी, ठीक है? थैंक यू सो मच मिलने के लिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी सूट हो रहा है सीधे नेक्स्ट डे को, कल रात में मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, तो मैंने कहा था कि अब नेक्स्ट डे को ही मैं शुरू करूँगी व्लॉग। तो अभी मैं इतनी जल्दबाजी में व्लॉग कर रही हूँ ना, मतलब अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मेरे साथ के जितने भी थे सब नीचे चले गए हैं, मेरा वेट कर रहे हैं। तो मैं बस आप लोगों को अपडेट दे रही हूँ कि अभी 9 बज रहे हैं और मैं एग्ज़ाम के लिए रेडी हो चुकी हूँ। तो अब सीधे एग्ज़ाम के बाद ही सूट होगा, क्योंकि वहाँ मैं कैमरा फ़ोन कुछ भी नहीं ले जा रही हूँ, क्योंकि सेफ है नहीं वहाँ पे, मतलब बाहर ही रखने के लिए बोलेंगे वो लोग, तो कैमरा वगैरह फ़ोन वगैरह की दिक्कत हो सकती है, कोई चोरी चोरी ना हो जाए। तो अभी मैं सब कुछ यहीं पर रख रही हूँ, पर्स वगैरह फ़ोन वगैरह। तो वहाँ से आने के बाद फिर रूम पर आएंगे, सामान सामान ले जाके सीधे चलेंगे रुद्रप्रयाग। तो ठीक है दोस्तों, होप सो मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाए, जितना भी पढ़ा है उसमें से ही आए। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक बोलना मुझे, मिलते हैं आपको एग्ज़ाम के बाद। तो दोस्तों अभी मेरा पेपर हो चुका है और मैं आ रखी हूँ साईं चौक पे गाड़ी का पता करने के लिए। तो गाड़ी भी मिल गई है मुझे श्रीनगर की, तो मैंने बैग वगैरह गाड़ी में रखे हुए हैं, पर्स वगैरह मैं अपने साथ में लेके आई हूँ। और पेपर की मैं बात करूँ तो पेपर तो वैसे जिसने पढ़ा होगा उसके लिए तो अच्छा ही आ रखा था, बट मैंने मतलब ठीक ठाक पढ़ा था तो मेरा पेपर भी ठीक ठाक ही गया। रिज़ल्ट भी पढ़ने के हिसाब से ही आएगा, अगर आपने ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करी होगी तो आपका रिज़ल्ट भी उस हिसाब से आएगा।
तो मैंने मतलब ब्लॉगिंग के साथ साथ उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती, मतलब पूरा टाइम पढ़ाई को नहीं दे पाई मैं, तो इसीलिए मतलब पेपर ठीक ठाक गया मेरा, ठीक है। तो अभी दीदी नहीं आई है, मैंने उसके लिए भी सीट कर दी है, तो जब वो आ जाएगी उससे भी मैं आप लोगों से मतलब बात कराऊंगी कि उसका एग्ज़ाम कैसा गया और उसके पढ़े में से कितना आया। बट मैंने लास्ट में जितना पढ़ा, एक महीने मैंने लगभग कंटिन्यू पढ़ा था, तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा मेरे पढ़े हुए में से आ रहा था, तो इस बात की मुझे खुशी है। बाकी अभी दीदी आएगी फिर उससे भी पूछेंगे कि उसका एग्ज़ाम कैसा हुआ। तो अभी हम पोखाल में पहुंच गए हैं और अब जाके मुझे दीदी को वीडियो में निकालने का टाइम लग रहा है, क्योंकि वहां से तो हम सीधे गाड़ी में बैठ गए थे और गाड़ी अभी यहां पे रुकी है चाय जो पीने के लिए। तो अभी मैं इससे पूछूंगी कि तेरा पेपर कैसा गया। सही था, सिरदर्द हो गया भूख से सुबह से, मतलब इसको ठीक लगा? मेरे को तो ठीक ठाक लगा, मतलब इसने पढ़ा होगा तो इसको अपने उसके हिसाब से हिंदी भी अच्छी आ रही थी। हाँ हिंदी हिंदी तो सही, हिंदी भी इजी थी और उत्तराखंड भी सही था। यस मुझे थोड़ा टफ लगा क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था, यस मेरा थोड़ा ठीक नहीं है इसलिए। हाँ मैंने भी मैंने तो मतलब पढ़ा ही नहीं था जीएस, कर दिए थे ना क्वेश्चन, हिंदी वगैरह तो था ही, इजी था तो इसलिए हो गया था। तो बस इसीलिए मैं सोच रही थी यहाँ पे थोड़ा दीदी से भी पूछ लेते हैं उसका पेपर कैसे गया, और इसके बाद मतलब लगभग 3:30 हो गया है और श्रीनगर तक ये गाड़ी हमारी है, देखते हैं उसके बाद हमें रुद्रप्रयाग की गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी। आज मतलब इसके घर हमें जाना है, तो देखते हैं कौन बनेगा पटवारी। ये वीडियो देखने मतलब अच्छा रखा, हाँ पेपर सही था इसके लिए, सही था मेरे लिए नहीं। हाँ मैंने आपको पहले बता दिया था, मैंने पढ़ा भी ठीक ठाक था इसलिए मेरा पेपर भी ठीक ठाक गया। तो अभी यहाँ पे चाय चूँ पी लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं घर के लिए। मैं दीदी के घर पे पहुंच चुकी हूं और अभी हमारे डिनर की तैयारी हो रही है और आप लोगों को दिखाती हूं आज हम डिनर में क्या बना रहे हैं, पहाड़ की फेवरेट डिश। ये देखो मिसने रोटी, ये हैं दीदी की सासू जी। हेलो हेलो, नमस्कार, ठीक ठाक? कितना हो रहा है जाड़ा? आप लोग भी, हम भी ठीक है। हाँ तो यहाँ पे बन रही है मिसने रोटी गोथ की, तो यहाँ पे है ये कोदे का आटा और ये है गहत की दाल जो कि सिलबट्टे में पीस के तैयार कर रखी है और इसमें मसाले मसाले मिला के, और यहाँ पे बन रही है कोदे की रोटी की मिसने। तो चूल्हे में मस्त करके आग भी सेकी जा रही है, साथ साथ में मिसने रोटी भी बनाई जा रही है। तो पेपर भी हो गया, घर पे भी पहुंच गए सही सलामत टाइम से, तो इस खुशी में हमने सोचा कि आज मिसने रोटी बनाएंगे, तो थकान भी लगी गई थी तो मिसने रोटी खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप लोग भी मिस कर रहे होंगे अभी पहाड़ों की मिसने रोटी, भले शहरों में बनाते होंगे पर वो टेस्ट नहीं आता चूल्हे वाला, सिलबट्टा में पिसाए हाँ चूल्हे में बना रहे, सही बात। देखो यहाँ पे बनके रेडी हो गई है मिसने रोटी, और आप लोग सोच रहे होंगे कि कम कम मेंबर नज़र आ रहे हैं और सुना सुना सा भी लग रहा है क्योंकि रिद्धू घर पे नहीं है, तो रिद्धू और बड़ी दीदी सब लोग जा रखे हैं मायके, मतलब दीदी मायके जा रखी है और रिद्धू जा रखी है अपने नानी के घर। तो यहाँ पे इसीलिए हमने थोड़ा कम कम आटा भी निकाल रखा क्योंकि हम सिर्फ 3 ही लोग हैं, ठीक बोला? और यहाँ से ना ठीक सामने के नज़ारे देखो कितने मस्त लग रहे हैं, दिन में भी मस्त ही लगता है और रात को भी एकदम मस्त लग रहे हैं। तो रोटी बनाते हैं उसके बाद रोटी खाते हैं, थकान भी लग गई है। रोटी खाने देखो कितनी मस्त बना रखी मैंने, हाँ फूल तो एक भी नहीं रही। तूने बना रखे हैं? मगड़ों को लड़े ना करे वा, तुम लड़े ना करे वा, आप वीडियो में दोनों ने बना रखी है? नहीं नहीं मैंने बना रखी है। अब वीडियो कौन बना रहा है? अब वीडियो कौन बना रहा है? थोड़ा थोड़ा हाथ सबका है। तो यहाँ पे बहस होने लग गई, एक बोल रहा मैं बना रही रोटी, एक बोल रहा मैं बना। तो दोनों ही रोटी बना रहे हैं और मैं यहाँ से वीडियो बना के आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे डिनर भी लग चुका है और जैसे कि मैंने आपको बताया डिनर में है आज मिसने रोटी गहत की और उसके साथ है फाणू और घी भी, ये देख सकते हो घी का डब्बा भी यहाँ पे रखा हुआ है। तो जल्दी से डिनर करते हैं क्योंकि हमें भी भूख लग गई। सासू जी तो यहाँ पे स्टार्ट हो गए, कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है, अच्छा बना रखा है ना मैंने? बहुत अच्छा। अच्छा बना रखा ना मैंने? बना वाला बनाए मैंने, इनको नहीं मैंने बनाए। तो यहाँ पे हम भी डिनर करते हैं क्योंकि भूख भी लगी गई है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय 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 बाय, मिलेंगे कल के ब्लॉग में। ठीक है आओ रोटी खाने, रोटी खाने आ जाओ आप भी। आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा यार, ये देखो क्या कर सकते हैं। देखो और सो जाओ, बाय बाय।